संघर्ष बलिदान समस्या एवं समाधान ता सहित त्याग ओ समर्पण र भावी जो एवं जो म परदा पछर कहानी एमि बनै ले जहाँप्रै आप समे आमे भव्य राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा देखापा जाउछ ताबी जानुवरी बइसे पचास वर्ष धरी जो संघर्ष सहित से परदा पछर नायक म अोध्यु अर्गस्टिम आपाउँछु आज आमे सहित अछु जहाँको कहानी से निजे हिँ के उन्स छयासी मसहु सि जोडीले गरसेवक जात्रा त सहित यी जो सङ्घर्ष गरि पचास वर्ष पाखापा दुई हजार चबिसको है रामलाला प्रतिष्ठा पाउँछ त समय र सङ्घर्ष को मस्जिद् भँगा जाँदा पूर्वहरू राम मन्दिर थाहा त पर्दा पक्षर रहस्य कर रखा से जाकर आलोचना आज सहित कर रविशंकर पांडे जी सर आपको स्वागत करती हूँ पहले उड़ीसा न्यूज से सर आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बाईस तारीख को होने वाला है विश्व भर के लोग यही अपेक्षा में करते हैं लेकिन जब सन 1986 की बात किया जाए 1990 की बात किया जाए या फिर उसके बाद की बात किया जाए तो आप जैसे जानकारी है छियासी में जुड़े तो उस समय की अयोध्या क्या थी और अब की अयोध्या क्या है? आ, उस की की है उस समय की अयोध्या और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है उस समय की अयोध्या तो ऐसी थी कि लोग अयोध्या आने के बारे में सोचते थे और अक्सर कर्फ्यू लगा रहता था चारों तरफ सशस्त्र बल थे और आ, लोगों को अयोध्या की सीमा में घुसने के पहले अपनी तलाशियां देनी पड़ती थीं गाड़ियों की तलाशी होती थी लोगों की तलाशी होती थी लोगों को परेशानी होती थी और आने जाने में बड़ी दिक्कत थी लेकिन फिर भी भक्त लोग राम भक्त लोग अयोध्या आते थे लेकिन और आज की अयोध्या आज निर्विवाद रूप से अयोध्या में लोग आते हैं सरयू स्नान करते हैं और हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करते हैं और श्री राम की जय जयकार करते हैं और तब और आज की अयोध्या में जमी पहले अयोध्या सहमी हुआ करती थी लोग आते थे तो डर था उनके अंदर कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है लेकिन आज सब कुछ ठीक है और आ, आ, सब लोग जो है निविवाद रूप से आकर के रामलला का दर्शन कर रहे हैं श्री राम का जयकारा ले रहे हैं और तब की अयोध्या में आज की अयोध्या में यही अंतर है सर तब की अयोध्या और आज की अयोध्या में मैं एक ही बात इससे मिला चुका हूँ कि जय श्री राम की नारा ये तो हर एक करता है उस समय भी था और इस समय भी था इस समय भी है लेकिन उस समय की जो जय श्री राम नारा लगाए गए थे वो संघर्ष की नारा थी और अब जो लगाया गया लग चुका है वो खुशी की है तो उसमें अंतर क्या था उसमें संघर्ष की बात थोड़ा हमें उस बारे में जानकारी चाहिए जी उस समय जो जय श्री राम का नारा लगाया जाता था वो वास्तव में सही कहा आपने वो संघर्ष का ही नारा था उसमें तो ये है कि करो या मरो और वो संघर्ष के दिन हम लोगों ने देखा है कि जब लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए हजारों की संख्या में जुट करके चारों तरफ के रास्ते सील हो जाने के बाद भी ऐसे ऐसे रास्तों की खोज करके कि जो प्रशासन को भी नहीं पता था उन रास्तों के बारे में सारे कार सेवक एक जगह इकट्ठे होते थे और उसके बाद तो फिर नारे लगाते हुए जय श्री राम राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे इत्यादि इत्यादि और ये सब नारे लगाते हुए सब लोग कूच करते थे अयोध्या में और उसके बाद फिर पुलिस की लाठियाँ होती थी पुलिस खदेड़े खदेड़ती थी सब लोग भागते थे और फिर वही दोबारा फिर वही कर्म होते थे तो ये सब अब अब जो है अब में और तब में तो जमीन आसमान का अंतर है अब तो अब तो खुशियों में आते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं और खुश होकर कर, खुश होकर के राम लला का दर्शन करते हैं यहाँ से प्रसाद लेकर के जाते हैं और अपने गांव में और प्रसाद भी बांटते हैं रविशंकर जी जब हम उस सन की बात करते हैं जब तत्कालीन सरकार ने गोली चलाया लोगों की जान चली गई उस समय की जो संघर्ष था हमने ऐसे भी सुना कि सरजू नदी जो है वो रक्त की लाल में अभिभूत हो गए थे तो डर नहीं लगा था हर एक राम सेवक को राम भक्त को कि काल हम सूरज दिख पाए या ना दिख पाए जब अभी बैठकर घर में ये सोचते हैं तब तो कुछ एहसास होता है कुछ उस समय की यादें अभी आता है मन में जी 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 जिस समय गोलियां चली थीं, उस समय निहत्थे कार सेवक थे किसी के पास कोई हथियार नहीं था निर्विवाद रूप से सब छोटी छावनी से आ, अपना चले आगे और लाल कोठी से 100 मीटर दूर दूर पर जब पहुँचे तो वहाँ यह पता चला कि आगे चल कर के कुछ पुलिस वाले अपना घेरे हुए हैं और सबके हाथ में हथियार है तो तब भी कार सेवकों ने जिसमें हमें भी था ये सोचे कि ऐसे ही खड़े होंगे सब लोग सुरक्षा की दृष्टि से होंगे और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि आ, अचानक गोलियां चली जाएंगी और जैसे ही हम लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचे जहां पे गोलियां चली जब वहां पहुंचे तो अचानक चारों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट तर शुरू हो गई लोगों की चीख पुकार चित्कार एक के ऊपर एक गिरना एक दूसरे को संभालना ये सब चीजें हल्ला मचना और भगदड़ मच जाना सब लोग जो है वो लेकिन फिर भी कार सेवकों का जोश कम नहीं हो रहा था आज तो वहाँ नई नई बिल्डिंगे बन गई हैं लेकिन उस समय जर्जर जर स्थिति में मकान था सब लोग अपना अपने आप अपनों को बचाने के लिए दौड़े और जो अपनों को बचाने के लिए दौड़े उनको भी गोलियां मारी गईं और मैंने भी किसी को बचाने के लिए मैं भी दौड़ा संतोष दुबे हमारे मित्र थे हमारे सेना नायक थे मैंने उनको बचाने के लिए मैं दौड़ा मेरे भी कंधे तोड़े गए शायद गोलियां उन लोगों के पास नहीं रहीं ख़त्म हो गई थी मेरे भी कंधे तब भी मैंने उनको बचाया बचा करके ले गया तो उस समय रक्तर रंजित इतिहास बन गया वो इतिहास में वो खून से सना हुआ वो जिस समय इन्होंने ऐसा किया हुआ था उस समय वहाँ की पूरी सड़कें खून से लाल हो गई थी कार सेवकों के खून से लाल हो गई थी, हो गई थी। अगल बगल जितने भी लोग थे सब लोगों ने डर के मारे अपनी दुकानें अपने दरवाजे अपना घर सब लोग बंद कर लिए थे लाशें वहाँ पड़ी हुई थी आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान आपको मिलेंगे वहाँ पर दीवारों पर कार सेवकों के राम भक्तों के निर्दोष कार सेवकों के खून के छू छीटे तत्कालीन सर तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार की वो अत्याचार की कहानी अभी भी करती है अभी राम मंदिर बन रहा है सब हर कोई एक खुश है अपनी आप अप में मगन है कि राम आ रहे हैं अब प्रतिष्ठा होने वाली है लेकिन उस समय जब गोलियां चली लाशें बिछाए गए उस समय की सरकार ने बहुत ऐसी अत्याचार की हर एक कार सेवक ये बताता है लेकिन आप भी घर परिवार में एक ही लड़का तो घर की माहौल कैसा था पिता ने क्या बोले अपनी भाई बहन कोई क्या बोले कि आपको राम सेवक बनकर जाना है कि पीछे थोड़ा कदम आना है क्योंकि आप जेल भी नहीं नहीं गए उस समय तो आज कुछ पछतावा है उस भाव से जी मैं अपने माता पिता का एक लौता संतान था आ, मेरी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी तो वो तो अपने घर चली गई थी और चूंकि मैं इकलौता संतान था इसलिए बड़े प्यार से बड़े लाड़ प्यार से हम लोगों को मुझे आ, मेरी देखभाल हुई थी लेकिन जब सन छियासी में ये पता चला कि ताला खुल गया है और संतोष दुबे नाम का कोई लड़का है जो लोगों को राम जन्म क्षमा कीजिएगा बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए एक योजना बन रही है वहाँ पर उनके नेतृत्व में तो मैं भी मेरी बड़ी इच्छा हुई कि एक बार मैं उनसे मिलूँ पता करते करते दो बार मैं अयोध्या आया और आ, हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई लेकिन एक संयोग था कि हमारी उनकी मुलाकात एक मंदिर में अयोध्या में ही हो गई मैंने उनको अपना परिचय दिया और मैं उसी दिन से मैं उनको जुड़ गया उस समय वो उत्तर प्रदेश के शिवसेना के प्रमुख थे और म, आ, उन्होंने मुझे फैजाबाद मंडल का शिवसेना प्रमुख बना दिया था धीरे धीरे तब तक लगभग ढाई लोग जुड़ चुके थे धीरे 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 दायरा बढ़ता गया लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया कम से कम दो हजार लोग जुड़े और उसके बाद फिर जब गोली चली तो उस समय जो है हम लोगों के साथ तीन हजार लोगों का जत्था था लेकिन उसके बाद फिर गोली चलने के बाद सब लोग छिन्न भिन्न हो गए सब कुछ हुआ घर वाले भी डांटते थे कि पढ़ लो लिख लो इसमें कुछ नहीं रखा है और चूंकि लोगों को डर भी था कि कल कोई बात हो गई उसको गोली लग गई या पुलिस पकड़ के ले गई तो इसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी माँ मा बाप तो ये अच्छे के लिए सोचते हैं लेकिन यहाँ तो दिमाग में ये था कि नहीं आ, हम लोगों को तो आ, राम, के राम के लिए लड़ना है और आ, मरेंगे या मारेंगे मस्जिद को तोड़ेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे ये दिमाग में जुनून था और उस समय स्थिति ये हो गई थी किसी की बात हम लोगों को अच्छी नहीं लगती थी चाहे वो माँ बाप हों चाहे रिश्तेदार हो चाहे पड़ोसी हों चाहे दोस्त हों चाहे मित्र हों जो लोग भी समझाते थे तो उन लोगों की बात जो बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती थी मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज़ गूंजती थी बाबरी मस्जिद को तोड़ना और राम मंदिर का निर्माण करना और हमारे दिमाग में थी ये बात अगर बाबरी मस्जिद को हम लोग नहीं तोड़ेंगे तो राम मंदिर का निर्माण कभी नहीं हो पाएगा जी जब सुप्रीम कोर्ट में राय आया कि वहीं पर ही रामलाला की जन्म हुआ था और वहीं पर ही मंदिर बनेगा ये श्योरिटी मिल गया आप सभी कार को तो, तो क्या लगा मन में अब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम सब देखेंगे अभी तो फिलहाल कहीं कहीं ये दुखद खबर भी आता रहता है कि बहुत सारे ऐसे कार सेवक चले गए देहांत हो गया तो आप एक हैं और वहां पे संतोष दुबे जी हैं और बहुत सारे ऐसे होंगे विभिन्न प्रांत से जिले से तो अब क्या महसूस सर हो रहा है जिस समय कोर्ट का फैसला आया था कि राम मंदिर वहीं बनेगा और वास्तव में सच्चाई कोर्ट ने बयान किया कि राम का जन्म वहीं हुआ था उनका मूलतः जन्म स्थान वही है इसलिए मंदिर वहीं बनेगा और जितने भी आरोपी थे सबको निर्दोष मान करके छोड़ा गया था उस समय मैंने डेढ़ कुंटल लड्डू आज टाइम पर था ये खुशी थी उस समय दिमाग में केवल एक बात थी हम लोगों का संघर्ष काम आया हम लोगों ने जो अपना खून दिया हम लोगों ने जो अपने अपने ऊपर लाठियां खाई हम लोगों ने जो अपना पूरा अपनी पूरी युवा अवस्था इसी राम मंदिर आंदोलन में झोंक दिया आज उसका फल हमको मिला कि आज अब राम मंदिर बनने को तैयार है और राम मंदिर बनेगा हम लोगों का सपना पूरा हुआ इससे बड़ी और खुशी की बात किसी कार सेवक के लिए क्या हो सकती है जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया राम मंदिर के लिए जी जी।, जी ये हम देख पा रहे हैं कि आपका जो अंदर की जो अनुभूति है वो उभर कर आ रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आपसे इतने समय तक मुलाकात हुई आपने इतनी बात हमें बताई अपन देखुले अयोध्या रविशंकर पांडे जी चि अधिक तथ्य जे देउले भावे प्रत्येक गरसेवक केमि निजर सङ्घर्ष गरिम्ति निजर जीवन र जुवावस्था जोटा समयमा प्रभु रामलाइ लडिथे आज जति बेला रमलाला प्राणप्रतिष्ठाइ निहाती निहति से को कार्यक्रमको जाइपारम्बा नजाइपारु बसिब देखि भाव चाहिँ वर्ष र जो संघर्ष जा बोधे गोटे मिनट्रे आखिरे भरि आस अजा क्यमेरा पर्सन सुमन साहु स्वप्नाञ्जल महान्त अर्ग न्युज आप भिडियो भन्नु लाग्यानेल्यर अ सब्सक्राइब जमा